हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज बनाने वाली हूँ थोड़ा सा व्लॉग, जो कि मैं जा रही हूँ पहले गुरुद्वारा, उसके बाद जाऊँगी मैं सूट खरीदने दिवाली के लिए। और ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ कि मुझे टाइम ही मिलता है, और जब मैं व्लॉग बनाने लगती हूँ तो मेरे पास वीडियो नहीं होती, तो वो इतना टाइम कवर नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा कि मैं जो भी करूँगी, है ना, तो मैं उसकी छोटी छोटी क्लिप शूट करके उसको बाद में एडिट कर दूंगी। मैं पहले गई थी तो मैंने दिया और माता का जो सामान होता है वो ले लिया, बट उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो नाउ मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ मिस ना करूँ, तो इसलिए मैं वीडियो बनाऊंगी। सो होप करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं चली गुरुद्वारा और आई विल शो यू दिस ब्यूटीफुल गुरुद्वारा। सच में जाके बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी फेवरेट प्लेस है। जब भी मैं सैड होती हूँ, जब भी मेरे को कोई टेंशन होती है, जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता, तो मैं यहीं आती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आई विल शो यू, मे बी तुम आप लोगों ने मेरी वीडियोज या मेरे पोस्ट में देखा होगा गुरुद्वारा। आई विल शो यू। ओके, सो गाइस, ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया और बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। ऐसे तो गाइस, पहले ना मैं दूसरे कपड़े पहने लगी थी कि मुझे गुरुद्वारा जाना है, तो मुझे ब्लॉग नहीं करनी है, तो मैंने फिर दूसरे कपड़े चेंज कर दिए। तो मुझे पता नहीं है। सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से गुरुद्वारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यू नो, आपको यहाँ पे ऐसी इतने सारे अवार्ड भी मिले हैं उसे, और बहुत अच्छा है। सो गाइस, मैं जा रही हूँ साउथ हॉल, और आपको पता है ये साउथ हॉल लंदन का मिनी पंजाब है, एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर इन माय प्रीवियस वीडियो। सो गाइस, आपको यहाँ पे एवरीथिंग मिलेगा जो भी आपको इंडिया से चाहिए होता है। इंडिया में हम इजीली ढूंढ लेते हैं, हमें पता होता है ये प्रॉपर प्लेस है इस चीज़ की। सो ये प्रॉपर जगह है आपको कुछ भी चीज़ लेने की। सो गाइज, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं साउथ हॉल, एंड आई विल शो यू कि ये कैसा है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरा व्यू ले पाऊँ। सी, मेरा कैमरा कितने तक घूमा हुआ है। सो गाइज, हम पहुँच चुके हैं और वेदर बहुत अच्छा है। सी, व्यू भी कितना प्यारा आ रहा है। तो अब मैं लेने वाली हूँ एक सूट, बहुत सिंपल सा सूट चाहिए, क्योंकि यार दिवाली में न्यू कपड़े पहनते हैं, तो ऑफकोर्स मुझे चाहिए था। तो लेट्स सी, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं। सो गाइस, हम आ गए हैं सूट लेने, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लू कौन सी। गाइस, सूट तो बहुत अच्छे हैं, पर मुझे सिलेक्शन करना नहीं आता है। इंडिया पे भी मम्मी लेती थी मेरे लिए, मैं परेशान हो चुकी हूँ। हे गाइस, तो ना मैंने सूट ले लिया है, पर मैं अभी दिखाऊंगी नहीं कि कैसा सूट है वो। और मैंने ना एक इयर रिंग देखी थी, आई डोंट नो याद ही नहीं थे कि कहाँ थी। मैं एक इयर रिंग लूँगी सूट के मैचिंग, तो वो भी नहीं दिखाऊंगी। तो वो सॉरी, अगर दिखा दूँगी फिर अच्छा नहीं लगेगा लुक, है ना। लेट्स सी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। और ये मेरा दूसरा दिन है, अभी उठी हूँ, बहुत उजाला हो चुका है, सॉरी। पर मेरी शिफ्ट सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक, सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक, तो नींद ही पूरी नहीं होती। तो गाइस, आज दिवाली है। ओके, इंडिया में तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम 5 घंटे लेट हो जाते हैं। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं वीडियो एडिट करने लगूँगी तो मेरे पास वीडियो नहीं रहेगी।
तो अभी मैं उठी हूँ. सो अभी मुझे ये पता नहीं है कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ. सिंपल सी चीज़ें करूँगी बट मेरे को बनाना है ये व्लॉग. तो लेट्स सी, अभी मैं गुरुद्वारे जाऊँगी दोबारा से. एंड उसके बाद यार पता, मैंने सूट ख़रीदा था, मैंने उसको फिट कराया था बट वो तभी भी ढीला है. तो उसको भी देखूँगी क्योंकि यार रात को पहनना है मुझे. तो लेट्स सी क्या होता है. एंड पता नहीं, आज मेरे फ्रेंड्स लोग भी आने वाले हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, है ना. तो लेट्स सी क्या होगा. हे गाइस, तो मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी गुरुद्वारा. और विशाली भी आने वाली है मुझसे मिलने के लिए. मैं भी वो रात को ना हूँ क्योंकि उसकी शिफ्ट है और उसे जाना पड़ेगा. पर लेट्स सी कौन कौन होता है कौन कौन नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जिस दिन फेस्टिवल होता है उसी दिन शिफ्ट दे दी जाती है. लाइक विशाल कब से मांगी थी छुट्टी पर उसे मिली नहीं, क्योंकि यू नो कि दिवाली के टाइम में कितना बिजी होता है. तो चली जाएगी. लेट्स सी फिर कौन आता है मुझसे मिलने, कौन है, क्या करते हैं आगे. कुछ अभी कुछ प्लान नहीं है, पर यू नो जो अनप्लान थिंग्स होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है. तो फिर मैंने सोचा कि चलने तो जैसा चल रहा है तो अब हम जाते हैं गुरुद्वारा. हेलो गाइस, देखो हमारे घर पे कौन है. ओ शिट, देखो हमारे घर पे कौन है. ओ माय गॉड. हेलो गाइस, आ गई हमारी वैशाली. अब जा रहे हैं हम गुरुद्वारा. दोबारा आ गए हम. हेलो गाइस, तो मैं गई थी गुरुद्वारे. उसके बाद मैं गई थी अपने लिए ये कंसीलर लेने, क्योंकि मेरा कंसीलर ख़त्म हो गया था, मुझे रेडी होना है. तो मैंने ये कंसीलर ख़रीदा है मेबी न्यूयॉर्क का. इसके बाद मैं होने वाली हूँ तैयार, बल्कि मेरा सूट ढीला हो गया तो उसे टाइट कर रहे हैं. एंड मैं तैयार कर रही हूँ अपना पूजा का सामान. इतना कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलाउड नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के घर होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं. तो मैं जितना भी करूँ थोड़ा बहुत, बट मुझे बस पूजा ही तो करना है ना. भगवान तो बस दिल में होना चाहिए. सो अब होने लगी हूँ मैं तैयार. इसके बाद मैं करूँगी, पहनूँगी अपने कपड़े एंड देन मैं अपनी पूजा का स्थान तैयार करूँगी. मेकअप हो चुका है, मैंने न्यूड मेकअप किया है इसे. अभी मैं तैयार होके फिर वीडियो बनाती हूँ. तो गाइस मैंने ना बिंदी लगा दी है, पर क्या हुआ कि मेरे पास ब्लैक बिंदी नहीं है, और जो ब्लैक बिंदी वो बड़ी लग रही थी मेरे फेस में, तो मैंने छोटी लगा ली. अब मैं तैयार हूँ हल्के होके. मुझे देख लो, आधी तैयार हुई आधी नहीं. बट ये वाला सामान है जो मैं यहाँ से मैं लेके आई थी माता का, तो मैं इसे ना अब सजाने वाली हूँ. तो जितना भी मुझे आता है मैं करूँगी, है ना. ज़्यादा तो मुझे आता नहीं, ये तो बात है, ज़्यादा नहीं आता, पर मैं अच्छे से सजा दूँ मंदिर. ओके, इसमें अलग अलग है, सारा माता का सामान है. ओके, कलर भी है इसमें रंगोली वाले, तो मैं माता के लिए रंगोली भी बना सकती हूँ.
माता का पूरा श्रृंगार। ये बत्ती के लिए बत्ती, पर मैं यहाँ पे बत्ती जलाऊंगी नहीं। ओके, माता का कपड़ा, माता का चोला और नीचे का कवर। सो हम कवर से स्टार्ट कर दें। मुझे क्या लगा था इसमें माता की ना मूर्ति हो, पर माता की मूर्ति नहीं है, वो सिर्फ पेपर है। मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। माय गॉड, मुझे ना इसका वो करके स्टैंड बना के पीछे से फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में तो ये फिर नहीं अच्छा लगेगा ना माता का पूरा। बाकी मैं अब एक थाली सजाने लगी हूँ, तो मेरी थाली कहाँ गई? ओके, ये मेरी थाली है। मैंने सब कुछ सोच रखा था, इस बार अच्छे से करना है ना। और ये वाले दिए हैं जो मैं यहाँ पे जलाने वाली हूँ, क्योंकि ये अच्छे हैं, मतलब लाइक इसमें पूरा ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ है, सीधा जलाना ही है। तो एक बाकी एक यहाँ पे लगाऊंगी, बाकी सारे गुरुद्वारे लगा के आऊँगी। तो एक एक करके मैं सामान रखने लगती हूँ। तो ये सारे दुर्गा, पहले मैं माता का श्रृंगार रख देती हूँ। आई डोंट नो ये क्या होता है, बट मुझे लगता है कि ये शायद पंच करके कुछ बोलते हैं वो होता है। तो इसमें हल्दी है और अखरोट है, बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं, आई थिंक। तो यही होता ये एक्चुअली। कभी मैंने ना ऐसे मंदिर नहीं तैयार करी, पहली बार करी, तभी आएगा मुझे। सो होप्स हो कि मैं सही कर रही हूँ। इसमें बाकी कलर भी है, तो कलर मैं रखने वाली हूँ नहीं। बाकी इसमें सारे कलर हैं, मैं सारे जो नहीं यूज़ कर रही मैं वो बॉक्स में दोबारा रख रही हूँ। बाकी इसमें जो ये सामान होता है, मुझे पता भी नहीं इसे क्या बोलते हैं, तो मैं इसे नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं इसे यूज़ नहीं करवा रही, क्योंकि मुझे पता नहीं है ये क्या है। सो मेरी मंदिर सज चुकी है, तो अभी मैंने ऐसे बनाई है और अभी मैंने दिया बाद में जलाऊंगी, पर होप सो अच्छी लगी है। हेलो गाइस, सो आई हैव हमारे फ्रेंड्स और अब होने वाली है हमारी पूजा शुरू। यार मैंने अपना फोन खोलना बंद हो गया मुझसे। वो जो यार एक जो बेल थी ना जो पीछे बज रही थी, वो हाँ। चलने देनी थी ना वो मैं ओके थैंक यू। केड़ी है वोटो टेंपल बेल साउंड पता नहीं क्यों मेरी शर्म भी आती है, कोई मेरे तरफ मत देखना। पागल है तू, दस इंची शर्म वाली केड़ी है। स्पीकर तेलो नहीं कुदा है, थोड़ा सा ही लगा दो भैया, क्योंकि हमारे पास है नहीं ना घंटी, शुभ होती है। ओ पर बाजे कि नहीं बजू, नहीं बजूगा। अब बारी खोल दे, खोली खोली है। जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। ओम जय लक्ष्मी माता, उमारम्मा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्या
भगवत सूर्य चंद्रमा दा नारद ऋषि गाता ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको धावत जो कोई तुमको धावत ऋषि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता मैया तुम ही शुभ दाता। हेलो गाइस, तो आप लोगों ने मेरा सूट तो देख ही लिया होगा, ये वाला जो मैं रिवील कर रही थी, पर मुझे सूट बहुत अच्छा लगा। और गाइस, मैंने पूजा कर ली है, अब मैं जा रही हूँ गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में जाके हम लोग चलाएंगे दिए और वहाँ पे जाके बहुत सारे लोग आ रखे होंगे, तो लेट्स सी जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। और मैंने पटाखे वगैरह कुछ नहीं लिए हैं, तो मैं नहीं जलाने वाली। सबको पता है कि मुझे थोड़ा डर भी लगता है, तो मैं वहीं जाके देखूंगी अगर जलाएंगे तो मैं बाबा के घर पे दिया जला के आ जाती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे ना ऑलरेडी बहुत सारे लोग आए हैं ना दिया जलाने, तो अब मैं भी जलाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। सी तेली बचा के रखा हेलो गाइस, तो इसके बाद हम गए थे गुरुद्वारा और वहीं पे से हमने लंगर खाया, उसके बाद हम घर आए। पर कोई पटाखे वटाखे नहीं जलाए गए, मुझे बहुत डर लगता है। सो ऐसे रही मेरी दिवाली। होप आप लोगों को मेरी ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगेगा और आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। थैंक यू, लव यू।